वेलकम बैक टू रेंच सिमुलेटर। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने रेंच को वापस से बनाना स्टार्ट किया था। सारे एनिमल्स मरने के बाद मैंने उन सब एनिमल्स को एक एक करके मैं वापस लेके आया और अभी मेरा रेंच लगभग ठीक हो चुका है वापस से। लेकिन आज मैं अपने रेंज को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने वाला हूं। मुझे कई सारी नई चीजें पता पड़ी, तुम लोगों ने कमेंट्स में बताई थी, जैसे कि मैं ऑटोमेटिक फीडर लगा सकता हूं जिससे मेरे सारे फूड पॉट्स अपने आप भर जाएंगे, मेरे को ढूंढ ढूंढ के भरने नहीं पड़ेंगे, बार बार मुझे खाना नहीं लाना पड़ेगा, और अपने बान हाउस को भी बड़ा करने वाला हूं मैं। तो लेट्स गो, गेम में चलते हैं। ओके गाइस, इस टाइम मैं अपने रेंज में आ चुका हूं। और हां, इससे पिछले एपिसोड में मैंने एक और नया धंधा स्टार्ट किया था, हनी का, जो कि वहां पे हो रहा होगा मेरे गोदाम में। वो जो सामने दिख रहा है मैं व्हाइट और ब्लू कलर का, उस गोदाम में हो रहा होगा। ठीक है, पहले मैं यहां देखने आया हूं यहां पे क्या चल रहा है भाई। ओके, ये पिगी प्रेग्नेंट है, कुछ दिन में बच्चे हो जाएंगे। बाकी इस टाइम मेरे सारे पिगीज, मतलब पिगीज वगैरह और गाय वगैरह भी प्रेग्नेंट है, और एक ये गोट भी प्रेग्नेंट होगी। रुक जाओ ये भाई, खाना खाती रहती है क्या, इधर क्यों रहती है भाई, तू बाहर घूमा जरा। लेकिन तुम खाना खाओ, अब बताओ अब क्या दिक्कत है, इसने खाना क्यों नहीं खा रखा, ये आधी भूखी क्यों है, खाना खाने के सामने खड़ी थी और सब जगह खाना भरा हुआ है भाई अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैं इससे पिछले एपिसोड में भर के गया था सब जगह खाना। और भाई अब मैं ना इस बान को ना बड़ा करने वाला हूं। मुझे पता नहीं था भाई ये इतना, मतलब तीन उसमें जो हिस्से दे रखे थे बिल्ड बुक में, जो हिस्से दे रखे थे तीन, वो बना के मैंने इसे फिनिश कर दिया था, बट अब मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं, मेरे को पता पड़ा है। जैसे अभी जो है ना, इसके अंदर तीन हिस्से लगे हुए हैं, मैं बीच में और ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, इसको और बड़ा कर सकता हूं, इस बान को लंबा कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी वुड चाहिए होगी, अभी देखते हैं भाई कितनी वुड की जरूरत होती है बीच वाले पार्ट के लिए। बीच वाले पार्ट के लिए मुझे चाहिए 20 प्लैंक्स। ठीक है, ये इसका फ्रंट वाला गेट टूटने वाला है और ये जो है लंबा होगा, और ये सब फैंस भी टूटने वाली, तो इन फैंस से भी मेरे को अच्छा खासा मिल जाएगा वुडन लॉग, बट वो काफी नहीं रहेगा। मेरे को आज के दिन बहुत सारे वुडन लॉग्स चाहिए और भाई मेटल वगैरह भी चाहिए, जो कि तो पैसों से आएंगे, बट पैसे तो देखो भाई ये लोग पैदा हुए और बड़े बड़े पैदा हुए तो मिलेंगे। अभी चलते हैं इधर की साइड, और मेरा ट्रक और वहां पे गाड़ी दोनों खड़ी है, तो आज क्या कहते हो किसमें वुड इकट्ठी करी जाए भाई, इसी में लेके चलते हैं, ये जो है छोटा वाला अपना ट्रला, ठीक है इसी में वुड इकट्ठी करेंगे। और अरे मुर्गी, अरे यार यार इन मुर्गियों को भी, ओ गाइस चीकी आ चुकी है, और इसको वापस रख देता हूं मैं। ओ भागी भागी भागी, अबे व्हाइट कलर की क्यों है, बड़ी नहीं होगी क्या? और भाई यहाँ पे इतने सारे चिकीज दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता है भाई, ये सारे अंडे रखे हुए थे यहाँ पे, और ये दोनों ये सारे नए निकले अभी तक, पता नहीं कब निकलेंगे, ये एक ही चिकीज करके दिए इन लोगों ने अभी, और खाना भी फिलहाल रखा हुआ है, और रख देता हूँ मैं इनके पास। आवाज कहाँ से आ रही है चिकीज की, आवाज खूब आ रही है, पता नहीं भाई, मैं यहाँ रख देता हूँ, तो उन चिकीज को भी खाना डल जाएगा। देखो यहीं पे है चिकीज, बगल में खा लेंगी। बाकी ये चिकीज, ये चिकी बड़ी होगी या फिर इसको बेचने का है ये तो बताओ। ये आ तो गई, बास्केट में आएगी क्या ये, देखने देना बास्केट की तरह मेरी बास्केट, अरे बास्केट नहीं है छोड़ो, यही रख दो अभी तो। अंडे वंडे रखे हुए हैं, और ये अंडे के लिए कोई मारने नहीं आया, मतलब कोई ये अंडा फर्टिलाइज नहीं है, छोड़ो इन अंडों को बाद में देखेंगे, अभी के लिए यही रख देते हैं। अभी ना मुझे फिलहाल बहुत सारे वुडन लॉक्स चाहिए भाई, कुछ भी करो लेकिन वुडन लॉक्स चाहिए, पैसों से लाऊं या फिर किसी से भी लाऊं। ऑटोमेटिक फीडर भी बनाएंगे, ऑटोमेटिक फीडर पहले बनाना चाहिए कि वुडन, मतलब ये इस बान हाउस को, बान को बड़ा करना चाहिए भाई, ये नहीं पता मेरे को। रुक जाओ, मेरे पास कुछ है क्या बेचने के लिए, यार कुछ बेचने के लिए भी तो नहीं है, मैं बताऊँ क्या करूँ, मेरे जीवन इतना बर्बाद हो गया है, मैं बताऊँ क्या बताऊँ तुम लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। रुक जाओ पानी भरो, बर्बाद थी बाद में देख, लाओ भाई लाओ बकेट, लाओ सारी सारी बकेट लाओ, फटाफट फटाफट पानी भरने दो, पेड़ों में पानी डालना है मेरे को। ये रस्सी ऊपर आ गई है, और ये रहा अपना पानी, इसमें ये 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 भी ये भी ये भी, और यहाँ पे यहाँ पे, अरे डल जा भाई, मैं डालना है मैं, अरे नहीं सब में डाल दिया मैंने पानी, और पानी बचा हुआ है भी, ठीक है। फर्टिलाइजर भी डाल दूं क्या, लाओ साथ के साथ मैं फर्टिलाइजर भी डाल देता हूँ मैं इसमें इसमें और इसमें, चलो भाई सब में फर्टिलाइजर डाल दिया मैंने, कितना बचा हुआ है अभी, डन भाई। और भाई ये बारिश क्यों स्टार्ट हो गई, अरे विंड मील, हाँ भाई विंड मील भी बनाना है, लेकिन इतना पैसा नहीं है, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को, इवन बर्बाद हो गया है मेरा पूरा, ये तो खैर मैंने भूल ही, कोई बात नहीं भाई, पहले सब में पानी डाल देते, पानी डल गया है, और अब काम करना स्टार्ट करते हैं। इन गाय वगैरह इतनी सी है भाई, इन सबको उठाते हैं, ठीक है, और एक एक को अंदर लेके चलते हैं। चलो बेटे चलो बेटे चलो, ऐसे नहीं करते, बदमोशी नहीं करते, चलो इधर आ जाओ अंदर आ जाओ बस, ठीक है। और लेकिन यार यहाँ पे दो जगह खाना डाल रखा है, इसके अंदर सात खाना बचा हुआ है, और इसके अंदर कितना बचा खाना, यार सब में खाना बचा हुआ है, बताओ अब ये खाना खाने दूं, ठीक है इनसे वुड मिल जाएगी, एक से कितनी मिलेगी ये नहीं पता है मेरे को, लेकिन अच्छी खासी मिल जाएगी जितनी भी मिलेगी। इस एक फेंस में शायद 15 वुड गई थी, तो एक फेंस को तोड़ूंगा तो 15 आ जाएगी, नहीं वो फिर तो इन्हीं से काम हो जाएगा, रुकना मिडिल डोर कितने का बन रहा है, अरे बनाना या नहीं है मेरे को, मेरे को देखना है 20 प्लैंक, सिर्फ और सिर्फ 20 प्लैंक लगेंगे यार, तो वो तो फिर एक काम कर सकते हैं अपन, अगर मैं इसी को तोड़ दूं तो इसमें से कितने मिलेंगे, मुझे तोड़ के देखना, रुक जाओ, बट उसी के साथ साथ मुझे फिर लगाना भी पड़ेगा, वरना मेरे सारे ये भग जाएंगे यहाँ से, इवन में दिक्कत हो जाएगी। लाओ पहले तोड़ के देखता हूँ, फिर एंड टू एंड लगा दूंगा डिस्ट्रॉय। ओके देखने दो कितने, अबे अरे नहीं शिट कर दी, जोर से शिट कर दी भाई, शिट कर दी, अब दिक्कत होने वाली है मेरे को, दिक्कत होने वाली है, दो ही मिनट में दिक्कत होने वाली है। अच्छा चार प्लैंक की तो डलते हैं इसमें, E2 insert, E2 insert, और ए, आ गए बाहर, आ गए छचुंदर की औलाद बाहर आ गए भाई, कर लो इसमें
को मैनेज करो, ई टू मैनेज। अरे आ जाओ, अब अंदर डालना पड़ेगा, सबको अंदर डालना पड़ेगा, एक एक को अंदर डालता हूँ। सब बाहर भाग रहे, पता नहीं ऐसा क्या मिल रहा है बाहर तुम लोगों को है। देखना 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 किस किस कदर भाग रहे हैं, किस कदर भाग रहे हैं, जैसे तो सालों को मैं काट खाता हूँ। आओ भाई आओ, अंदर आओ, तुम्हारी अब मेरे को ये तोड़ना ही पड़ेगा। और यार फेंस तोड़ के पूरी चीज नहीं मिल रही, मेरे को लगा था फेंस तोड़ के ना जितना उसमें डाला था। हाँ आ गई समझदारी। अच्छा भाई इसकी बीवी अंदर आ गई ना, इस चक्कर में ये भी आ रही थी। आजा 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 अंदर आजा, बाहर मत जा, समझ जा मेरी बात को। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, अंदर अंदर अंदर। अरे क्यों जाना है बाहर, दो दो जने अंदर आ गए हैं, इसको बंद करो ठीक है। और शिट शिट, नहीं 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 नहीं, कहाँ कहाँ चले गए। वाओ वाओ, भगे जाओ सब जने, भग जाओ ठीक है, सब जने भग जाना, मेरा जीवन वैसे ही बर्बाद है, और बर्बाद कर दो तुम लोग। ये वाला गेट खोलो। अबे कहाँ रह गई, इधर इधर आ जा चुपचाप। ओ एक गॉट का है, एक गॉट गोट का। अरे गाइज आज का दिन इसी में निकल जाएगा मेरा। अरे आजा भाई आजा, अरे निकल जाना, सब निकल जाना, सब निकल जाओ है ना। अभी क्या करना है, ये क्या है, ये क्या है, मत करो मत करो कुछ मत, ये गेट करो बंद। गाइज मैं गेट खुला छोड़ गया था अभी अभी, तो मेरी दोनों बकरियां वापस से भग चुकी हैं, और एक बकरी तो तुम, ओए मैंने अभी अभी यहां देखी थी, रुक जाओ। शिट एक बकरी जा चुकी मेरी। ये री कहां जाना चाह रही है, वापस से जनरल स्टोर जाएगी क्या बिकने, पागल है क्या तू, बुद्धि खराब है तेरी। चल चुपचाप चुपचाप चल ले यार, रात हो जाएगी कुछ देर में, रात हो जाएगी सही बता रहा हूँ, सब भग जाएंगे, सब भाग जाए। यार छोड़ हटा, कोई बात नहीं, बाहर में जान दे लोगों को, नहीं आना मत आओ, तो मैं ऐसे कराओ ठीक है। गाड़ी लेके आन दो मेरे को, गाड़ी में जो जो आ जाएगा उस गाड़ी में रख दूंगा मैं सबको। रुक जाओ, कम से कम गाड़ी में तो रखे रहेंगे भाई। दो गाय तो मैंने अंदर डाल दी, वो परमानेंट अंदर घुस गई है ठीक है। अभी गाड़ी लेके आता हूँ मैं, और जितने बैठ पाएंगे इसके अंदर बैठा दूंगा भाई। फटाफट फटाफट चलो, खोल गेट को, गाड़ी में बैठ, जल्दी चला जल्दी चला, लेके चल गाड़ी, लेके गाड़ी निकाल आराम कर गाड़ी। रात हो गई, रात हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत जोर से रात हो गई है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। ले सबसे पहले तो तू अंदर ठीक है, उसके बाद इसकी लाइट जलाओ, अब दिखेंगे लोग बाग। ये रही बेटे, पकड़ी गई इधर इधर, चल इसमें चल, योगी ट्रांसपोर्ट। उसके बाद एक ये रहा, इधर आ भी इधर। यार एक वो लौंडा चला गया भाई, बकरी का लौंडा बहुत दूर चला गया, वो मिलेगा कि नहीं पता नहीं मेरे को ठीक है। इसको अंदर डाल, चला जाना। क्या शिट है तेरे साथ, पागल है क्या थोड़ा सा। चले गए ये, ओके दो पिगीज आ गए और एक बकरी आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया काम, हो गया काम, हो गया। जल्दी चला आगे, चला आगे, चला आगे, मिल जाएगा वो तीसरा बंदा, मिल जाएगा आगे। ये रहा, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, साड़ी को पकड़ो, इधर 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 बैठ अंदर चुपचाप। चलो भाई सब लोगों को मैंने बैठा दिया है, और अभी मैं चलता हूँ सोने, और कल के दिन भाई इनको अंदर डालूंगा एक एक करके। या फिर एक काम कर सकता हूँ, इनको डायरेक्ट अभी अंदर डाल देता हूँ, ऐसे नहीं डालेंगे ये, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, और फिर यहाँ से फेंस टूटी हुई है ना, यहाँ से ले लो। हाँ ठीक है, बस 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 बस, अरे हक दिया मैं, छोड़ो मैं चलता हूँ भाई सोने। और आज का दिन तो भाई वैसे ही बर्बाद हो गया, बताओ कोई बात है। अरे भागे जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या काट खा, भाई गुस्सा लगाती है मेरे को, इन साड़ों की सेवा करो एक, ऊपर से भागेंगे जोर से। गाय जानवर पालना आसान बात नहीं है, समझ में आई तुम्हें, समझो बात को मेरी। अब भाई मैं ये फेंसेस तोड़ ही देता हूँ, जितने भी मिले क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब इनको हटा नहीं है, तो यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं ठीक है। और अब फटाफट से अरे तू भी हट भाई, तू भी हट, तू किस बात के लिए लगा हुआ है, हट। चलो भाई गाड़ी में बैठो ठीक है, और इसको लो गाड़ी को इधर, इसको लो इधर, देखना 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 कैसे सींग निकाल के बाहर खड़ी है, जिस बाहर भागने को ही हो रही है बस। चलो इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इसको करते हैं सबसे पहले बंद ठीक है। और अब इसके बाद एक एक को लेके चलते अंदर, बोलो भाई ले तू उतर, पहले तू उतर, देख भगा भगा राम कोर भगा। क्या अच्छा खाना खा रहा है क्या, खा ले खाना, खा गोबर खा रहा है साले, खाना थोड़ी खा रहा है इधर। अरे फिर पता नहीं कहाँ छूट गए, अरे तो साले नायलॉन की रस्सी लेके आओ तभी हाथ में पकड़ में। अरे बंद, चलती बंद, चलती बंद, अंदर 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 बंद, खोल हट जा हट जा, चलो करो चुपचाप अपने बाहर रहो बढ़िया। फिर बैठ के और आ पागल है क्या थोड़ा सा, इसको उठा ठीक है, ये भगेगी, ये भगेगी, अब चल अंदर चल लो, ऐसी घुसण मारूंगा वरना तुम्हारे, अंदर अंदर चल बे, छोड़ दे अब रस्सी नहीं छोड़ेगी, वैसे खूब टूट जाती है रस्सी। हाँ अभी इसको बाहर निकालो, ये भगेगा अब, ये भगेगा। हाँ खाली खाना खा ले, खा लिया, घंटा खा रहा तेरी वो बढ़ तो नहीं रही है हेल्थ बार। ओ पानी पी के भग रहा है, पानी सड़क कितनी पावर आ गई भाई में, पानी पी के भगा जोर से एकदम जोर से। आओ चुपचाप सारे अंदर आओ, तुम लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम बाहर में जाओ आज के बाद ठीक है। जिस तरीके से तुम भागते हो ना गेट खुलते, तुम्हारी देखो मैं कैसी सेवा करता हूँ, तुमको काट काट के बेचूंगा भाई, काट काट के बेचूंगा। तुम मर गए थे, मैं दुख मनाया था ना, बाढ़ में जाओ साड़ू, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो एक बार नहीं चार बार मरो मेरे को। इधर तू भी इधर आ ना भाई, कोई रहम नहीं करना इन पे, कोई रहम नहीं करने की जरूरत। आओ अंदर आओ, सब मरोगे एक एक करके, सब मरोगे। खोलो अब मैं जो है तुम्हें खाना डाल देता हूँ, खाना खाओ पहले फिर मारूंगा। तू भी हट यहाँ से, बंद कर, लाओ सारे प्लैंक दो पहले, तो जितने प्लैंक आए वो सारे प्लैंक ले लेता हूँ मैं ठीक है। ये भी उठाओ, अच्छा इतने आएंगे। और भाई ये आगे वाला पोर्शन टूटने वाला है ना, तो आगे वाला पोर्शन टूटेगा
आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इन सब के लिए? नहीं यार, दिक्कत तो क्या ही होगी, मैं बना ही देता ना इन्हें। बनाऊं कि नहीं बनाऊं अभी फिलहाल, क्या कहते हो? वैसे इसके अंदर खाना खूब है और इसके अंदर भी खाना खूब है, कोई डालना है फालतू में छोड़ो। पानी, एक पानी रख सकते हैं इनके लिए, यहाँ पे रखा हुआ है पानी, खाना भी खूब है। छोड़ो यार छोड़ो, अभी इन सब चीजों को है ना उठाओ, इसको उठाओ ठीक है, और इसको भी उठा देते हैं, बस डन, सारा काम डन है। अभी इसमें कौन सा दूध है? इसमें कोई सा दूध नहीं है, तो ला दूध दे पहले, तो दूध दे। अरे सांड, अरे सॉरी, अरे सांड है भाई, हट जा सांड, टेप मत हो मेरे, इधर गाय है ना तू, इधर तू, इसके पास में रहा कर। अभी सांड का दूध निकाल लेता मैं, चलो कुछ गलती से कुछ और निकल जाता। चलो 7.8, ओके हो गया और ये हो गया 14। चल भाई हट जा, इसको निकालो, इसमें डालो ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं बाहर। अरे हट जाना, हटो, देखो इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको उठाओ, और इसमें बकरी का दूध है ना, बकरी का दूध निकालते हैं, डालो इसमें। और कहाँ है बकरी? बकरी कहाँ है? ये जी बकरी, ये जी, अरे ये बकरा है, ये तो बकरी कहाँ है, ये जी बकरी, इधर। चल भाई दे फटाफट दूध दे दे। और ये आ गया अपने पास 7 लीटर दूध इसका भी ठीक है, इसको इसमें डालो, इसको उठाओ और चलो। अब बना देता हूँ मैं कर्ड थोड़ा बहुत महंगा वाला। चलो भाई काम होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। अभी इस गाड़ी को जो है पहले उठाते हैं। अच्छा पहले गाड़ी से पहले इन सब चीजों को उठाते हैं। लो यार इनसे वुड पूरी मिल जाए तो मजा आ जाए, सही बता रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा मिली, कितनी है यार? 8 ही वुड मिली और 16 वुड लगती है इसके अंदर, पता है? देखना, और खाना 1 रुपए का नहीं दे रहे वापसी, खाना भी तो साड़ो, सब कुछ तोड़ो एक एक करके। पहले जानवर इतने हो गए थे कि मेरे को ये सब बनाना पड़ गया था, अब मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे सारे जानवर मर चुके हैं। इन सबको उठाता हूँ और अब तो मैं बांध पूरा बड़ा कर दूंगा और बीच में लगाऊंगा खाने की मशीन, जिससे कि खाना, सब में ग्रेप सूख गए भाई, देख रहे हो तुम? चलो सब कुछ मैंने तोड़ तोड़ा दिया यहाँ पे ठीक है। अभी चलता हूँ फटाफट से, और ये देखो यहाँ पे ग्रेप सूख गए ना, अभी इन ग्रेप्स को लो फटाफट लाओ, इस डब्बे में भर लेते हैं, यही अपने पास में डब्बा। और इससे पिछली बार मैं शायद ये कूलर भी बेच आया था, एक दो गलती हो गई थी मेरे से। लाओ सारी चीजें दे दो, ये भी दे दो। इसके अंदर मैंने ग्रेप्स भर लिए, अभी वापस सूखने लगेंगे ठीक है, जब तक मैं ये सब चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ। और भाई जितनी देखो ये 8 है ठीक है, एक के अंदर 8 आती है, 8 और 8 16, और ये कितनी है? ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये अगला स्टैक आने लग गया भाई। ओ भाई खूब वुड आ गई, ऐसी बात नहीं है सब कुछ तोड़ने के बाद खूब वुड आ गई, लेकिन हाँ जितनी लगाई थी उतनी नहीं आई, लेकिन अभी अपने काम के लिए खूब आ गई, देख रहे हो तो? इससे अपना अच्छा खासा काम बन जाएगा। फेंसेस गंदे भी लग रहे थे, और अभी जो बांध बड़ा होगा ना मजा आ जाएगा। चलो भाई मैंने सारी वुड्स ला के यहाँ पे इकट्ठी कर दी है, और देखना मेरे पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7। ओके गाइस मेरे पास ये 61 प्लैंक्स हैं ठीक है, इनको मैं लगाऊं तो मैं इस टाइम 3 बॉक्सेस बना सकता हूं मिडल वाले, ये देखो 20, 20 और 20। बट अब जब मुझे बाद में पता पड़ा कि जब मैं फ्रंट वाला सेक्शन तोड़ूंगा ना तो इसके अंदर कम मिलेंगे, तो 19 की जगह शायद हाफ मिल जाए इसमें फ्रंट सेक्शन को तोड़ू, देखते भाई कितने मिलेंगे। लेकिन अब क्या मैं तोड़ दूं फ्रंट सेक्शन अभी की अभी, सोचने वाली बात नहीं है। अरे इधर हट जा, सॉरी इधर बकवास मत करो, कोई निकलना नहीं उसमें से, बंद करो, अंदर आ रहा था मैं, अंदर भी मत आने दिया करो तुम ठीक है। हाँ भाई अभी मेरे को मिडल सेक्शन बनाना है इसके अंदर ठीक है, जिससे कि ये एरिया बड़ा हो जाए, बट उसके लिए मुझे फ्रंट वाला ये सेक्शन तोड़ना पड़ेगा। और ये गेट में भी अलग प्लैंक्स लगते हैं, गेट में कितने प्लैंक लगेंगे, गेट भी टूटेगा, 12 प्लैंक और एक मेटल तो शायद इससे मिल जाएगा मेरे को ठीक है। और ये वाला गेट भी तो टूटेगा, नहीं यार मैं क्या करता हूँ, बैक वाला हिस्सा तोड़ देता हूँ, बैक में सिर्फ एक गेट जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला गेट है ना भाई इसके अंदर 16 और 3 मेटल लगेंगे, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन यार इसको मेरे को आगे की साइड बढ़ाना था, ये और पीछे होता जाएगा, कोई नहीं इसको बढ़ाएंगे तो आगे ठीक है, इस बांध को बढ़ाएंगे आगे। बट अभी बारिश रुक जान दो, जब तक मैं कुछ प्लैंक्स का जुगाड़ कर लेता हूँ और खुद की साइड से, क्योंकि प्लैंक तो मुझे काटनी पड़ेंगे कुछ भी कर लो। अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं प्लैंक खरीद आता, लेकिन इतना पैसा है तो नहीं। चलो अब भाई ये वुड इकट्ठी करके मिलता हूँ तुम लोगों से, सारी वुड इकट्ठी कर लेता हूँ मैं 1, 2, 3 करके। और गाइस ये मैंने वुड डाल ली, अब इन सब वुड्स को लेके चलते हैं अपनी मशीन के पास। और भाई यहाँ हनी भी तो बन रहा होगा, हनी तो मैंने देखा ही नहीं, हनी कितना बना, हनी नहीं बना, रुक जाओ पेट्रोल की बाटली और लानी पड़ेगी। अरे मैं फंस गया, ओ चिकीज, यहाँ पे चिकीज, मेरी चिकीज कहाँ है? हेलो चिकी, ओ भाई वो चिकी उन्हीं की मम्मियों के पास ही रहती है यार, इनमें से चिकीज पैदा नहीं हो रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही, वो देखो वो तो भूखी मरने को हो रही है। अरे इनका खाना खत्म हो गया, अरे नहीं, अरे शिट हो गई गाइस, रुक जाओ खाना ले आऊं जरा सा मैं। चलो भाई इनके लिए खाना लेके आते हैं, फिर वुड कटिंग अपन स्टार्ट करेंगे। और ये ट्रक की लाइट किसने जली छोड़ी? साला बैटरी भूख जाएगी ना, शर्म नहीं आ रही किसी को? गाड़ी की लाइट बंद करो हाँ लाइट, चलू छोड़ देते हैं एक तो, ये लौंडे से ले जाते हैं ट्रक को। अरे मैंने छोड़ी थी, छोड़ो ज्यादा नहीं सुनाते गाइस, मैंने लाइट चलू छोड़ी थी, इन दोनों पेटियों को रखो यहाँ, और इन दोनों पेटियों को मैं डाल के आ जाता हूँ अंदर ठीक है, अंदर भी जरूरत होगी कहीं ना कहीं तो चारेगी। चलो इसके अंदर भर दूं क्या? इसके अंदर भर दिया मैंने, इसके बाद इसके अंदर भर देता हूँ थोड़ा बहुत ये, हाँ इसमें भी खाली पड़ा है। चलो भाई सब में चारा भर दिया। देखो अब मेरी बात सुनो, तुम बस जब तक जिंदा रहना जब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ ठीक है, इतना खाना डाल दिया है, पानी खूब पड़ा है, तुम इतना पानी पीते हो नहीं ठीक है, अब मेरे को जाने दो। चलो हटा लो, मैं नहीं खाना खाता, ये लोग इतना खाना खाते हैं, लेट्स गो गाइस। और यहाँ पे वापस से ग्रेप्स सूख चुके हैं, तो क्यों ना ग्रेप्स तोड़ ली जाए, जैसे कि नए ग्रेप्स सूखते रहेंगे। ये तोड़ो ठीक है, ये तोड़ो खत्म। चलो इस बाटली को भी यहाँ रख लेते हैं, टाइम लगा तो इसको भी बेच आएंगे। और सब में पानी डालना है क्या अभी?
अरे ये पानी है फिलहाल, जितना पानी है उतने में काम चलाओ। और फिर बारिश आ गई। अरे कैसे आराम खोर लोग हैं, क्या चाहिए इनको, पागल वागल हैं क्या, बारिश क्यों आ जाती है, पहाड़ का एरिया मतलब बारिश करोगे तुम लोग। ये लो खाना खाओ, खाना खाओ चिकीस, तुम खाना खाओ, तुमको बेचाऊंगा मैं, एक काम करूंगा ठीक है। ओ एक चिकीस तेरी, ठीक है चलो उधर चलते, जब माँ के पास चल ले बकवास ना करिए। अगर अभी भाई मशीन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके वुड काटना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई काटते काटते बारिश भी बंद हो गई है और अभी मेरी सारी वुड्स कट चुकी है और ये फिर मौसम खराब हो रहा है, फिर मौसम खराब हो रहा है। दो सेकंड के लिए धूप आई थी, जस्ट अभी धूप आई है, यूं नहीं कि बहुत देर से धूप में खड़ा हूं मैं अभी, ना 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 ना, ना। अभी अभी धूप आई है, अरे बंद कर मैं समझ में आई। और भाई मैंने बहुत सारी वुड काट ली है ठीक है, बस जितने जितनी वुड्स लाया था उन्हीं वुड्स की काटी है, बट ठीक ठाक आ गई है वुड। देखो ये तीन स्टैक बन गए, ये चौथा स्टैक शायद पूरा, ओके चौथा स्टैक पूरा न्यू है लेकिन ठीक है, इतनी वुड काफी है। अब मेरे को ना हार्डवेयर स्टोर पे जाना है, कुछ मेटल लेके आऊंगा, मेरे पास पैसे इस टाइम 228 रुपए, अगर थोड़े बहुत पैसे कमा पाए तो थोड़े बहुत पैसे कमा के मैं जाने वाला हूँ हार्डवेयर स्टोर पे और वहां से थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं। चलो भाई इन सबको उतरवाओ, रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ पे, और भाई काफी अच्छी खासी वुड आ गई अपने पास ठीक है। और इन सब सामानों को उठा के, अच्छा ठीक है ये भी तो है पैसे कमाने का सोर्स, अरे वो रखो इधर, इधर रखो, ये भी बेच के आएंगे साथ के साथ, इसको रखो इधर, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको रखो। चलो भाई और दूध मिल सकता है तो मैं दूध ले आऊं, जरा जरा आई सेकंड, जरा आई सेकंड रुको जरा, अरे हट जाना, लाओ गाय, गाय खाए, गाय गाय दूध दे दे मेरे को, ये आने लगा, आने लगा भाई। अच्छा मैंने कल का दूध कलेक्ट करके रखा था ना इनसे, तभी आ रहा है, तभी आ रहा है, सही है, ला दे दे, दूध पूरा हो गया, इसको उठाओ, अब आएगा पैसा वापस से भाई दुनिया भर का। लाओ इसको रखो यहाँ पे, इसको दो इसमें डालो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको स्टार्ट करो। और मेरे पास और है ब्लू कलर का जो मैं पहले ही ले आया था, बट ये बहुत, मैं ये सबसे पहले खरीद के लाया था, पता है महंगा वाला ये, इसके बाद दो और खरीद लाया, बट ये मेरे पास अभी तक पड़ा था, तो ये मेरा काम हो जाएगा। फिर ये गोट का दूध है, गोट का दूध भी मैं वापस ले सकता हूँ। चल आ जा इधर, अरे हटना, लेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किधर है तू, इधर ही, हाँ ये, अरे नहीं ये माँ नहीं है, ये उठाओ इसमें लगाओ, तो फटाफट फटाफट दूध दो, बहुत सारा दूध हो गया भाई इसका अपने पास, 12 हो गया है दूध ठीक है। इसको उठाओ इसमें लगाओ, ये लो और चलो, अभी पिगी के बच्चे हो जाएंगे फिर वापस से बहुत बहुत खाना मांगेंगे, उससे पहले मेरे को फीडर वीडर सब बनाना है, देखते हैं फीडर वगैरह बन पाता है कि नहीं बन पाता आज ठीक है। ये सब कुक करके लेके चलते हैं, ये तो खत्म हो गई ये बाटली, ये और बच्चे, बाकी जब तक ग्रेप्स में मैं पानी लगा दूं, क्या कहते हो, ग्रेप्स ग्रेप्स में पानी अभी तो लगा हुआ यार, मतलब ठीक ठाक लगा हुआ है, लगाना तो पड़ेगा। इसको उठा देते अपन पेड़ को, ये टूटा हो गया है। और वो कहां है फर्टिलाइजर, कहां है मेरा फर्टिलाइजर, इधर ये खत्म होने वाला है फर्टिलाइजर भी, अभी देखो पूरा कर देता हूं। फर्टिलाइजर को डालो इसके अंदर, E2 14, अरे आई नहीं रहा, अरे 24 out of 24 हो गया, खत्म हो गया, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई भाई की, कम कैपेसिटी वाले लोग हैं। लाओ इसको दो इसमें डालो, इसको रखो यहाँ, ये काई का है, काओ मिलके, ये काओ मिलके, ये है गोट ठीक है। नहीं यार ये अच्छा, E2 add start, चलो यार लेकिन खत्म हो गया शायद ये, ओके ये ओके है गाइस है, क्या बात है, ये है काओ वाला और ये है गोट वाला ठीक है, एक बार और बन जाएगा जहां तक उम्मीद है मेरी। इसको उठाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको उठाते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको उठाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, और ये बन गया है, इसको उठाओ इसके अंदर से, यहाँ रखो, इसको लो इसमें रखो, इसको रखो यहाँ, और इसको डालो इसमें, इसको करो स्टार्ट। चलो अभी चार और बचा हुआ है, शायद चार में एक और बन जाएगा, देखते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पे, और ये एक डब्बा बच गया, इसको भी उठाओ रखो यहाँ। चलो भाई कितना सारा पैसा आने वाला है, देख रहे हो तुम, आज के दिन पैसों की बौछार हो जाएगी, और बस यही तो चाहिए थी आज के दिन मेरे। ये इसमें किसमें, ये रहा दूध, ओके बन रहा है। चलो लेट्स गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाटलियां है मेरे पास कर्ड की, बस ये और आ जाए यहाँ से, इसको उठा लो। चलो जब तक मैं पानी डाल देता हूँ इसके अंदर, मैं आऊंगा दोबारा, तो इसके अंदर पेड़ उगे हुए मिलेंगे मेरे को, इसको भर देता हूँ पूरा, इसके बाद इसको भर दो, इसको इसमें पानी और पानी भरो, और मैं डालो किधर है भाई, किधर है, पानी भर लो पूरा पूरा पानी भर लो, फिर पानी नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ध्यान रखना। हाँ अभी तो दे रहा हूँ मैं, मेरे जैसा मिलेगा तुम लोगों को, कहीं सारा पानी दे रहा हूँ तुम लोगों को, लो पानी पियो, तू भी पी। ये बच गया था ना बस एक, और कोई सा थोड़ी बचा, इसमें सब में पानी है, इसमें सब में पानी है, ये एक बच गया है, इस अकेले में और पानी डाल देते हैं। अब मेरे को फर्टिलाइजर चाहिए, लेकिन उसके उससे पहले मेरे को वो लाने पड़ेंगे कूलर्स, कूलर्स रखे थे ना भाई कहीं ना कहीं, तो यार दो ही कूलर थे क्या मेरे पास, ठीक है मैं भूल गया हूं, बट दो कूलर तो नहीं थे, देखो ये तो मेरे को पक्का पता है, एक कूलर तो ये रहा, अच्छा एक कूलर ये पड़ा ना नीचे पड़ा हुआ, एक कूलर लाओ। फर्टिलाइजर कहा है मेरा, फर्टिलाइजर दियो इधर, जरा इसमें डालो, एकदम बिगड़म करो, उसे उठा लो बस, अब और क्या चाहिए, अब सब में डाल दो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हो जाएगा सब में। चलो भाई सब में फर्टिलाइजर डल चुका है, और इसको वापस से एक बार मैं घुमा लाऊं, पेटी में घुमा लाऊं, गिड़म बिगड़म करो, इसको रख दो बाहर। अभी सारा काम हो गया है, ये उठा लेते हैं, और अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट जर्नल शॉप, जर्नल शॉप से चलेंगे अपन हार्डवेयर शॉप। और गाइस एक और चीज पता पड़ी है कि अपन जो वो है ना पोक बेच के आते थे, मतलब मीट गाय का हो गया, सुगर का हो गया, किसी का भी मीट, वो अपन बेस्ट बर्गर पे जाके बेच सकते हैं, और शायद वहां पे रेस्टोरेंट है तो वो ज्यादा महंगा खरीदेंगे, ये तो नहीं पता मेरे को महंगा खरीदते हैं कि सस्ता, बट इस बार टेस्ट कर सकते हैं अपन ठीक है। अब की बार अगर मेरे पिगीज मरे तो मैं बेस्ट बर्गर पे बेच के आने वाला हूँ, बाकी
इस आइटम को करते हैं सेल, मेरे को मिल रही 1027 रुपए, मतलब 1500 रुपए मेरे पास टोटल हो गए। और क्या मुझे अभी खाना खरीदना चाहिए? यार खाना खरीदने की जरूरत तो है, बट अभी फिलहाल मेरे पास खाना पड़ा हुआ है उनके अंदर, ठीक है। तो अभी खरीदने की जगह मैं चलता हूँ हार्डवेयर शॉप, ठीक है। हार्डवेयर शॉप यहाँ पे है, डायरेक्ट सीधे चल लो। और भाई यहाँ पे रुकना, यहीं कहीं तो बी थी। शिट गाइस वो हट गई है, पता नहीं चली गई है कहीं। तो मुझे बोला तो ऐसा गया था कि भाई जहाँ पे बी होती है वहाँ पे बी रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो हार्डवेयर शॉप पे चलो। गिर गया गाइस, मैं आ चुका हूँ। और अभी देखते हैं इसके अंदर क्या सामान कितने का मिल रहा है, क्योंकि मेरे को ना मेटल भी बहुत सारा चाहिए। और मेटल 500 रुपए का मेटल मिल रहा है, ये तो शिट वाली बात हो गई यार। लेकिन मेनली मुझे चाहिए मेटल ही। और क्या मिल रहा है भाई इसके अंदर, कुछ बढ़िया चीज है क्या जिससे मैं आग लगा दूं भाई पूरे शहर में? मतलब शहर में आग, मतलब पैसा बहुत सारा आ जाए, समझा करो, मेरी दिल की फीलिंग नहीं समझते तुम लोग। ये बैरल तो मैं पहले ले आया था ना, बैरल काम आएगा मेरे, पता नहीं बैरल लाया था कि नहीं, बट अभी के लिए मैं 2 पेटी ये लेके जाने वाला हूं। मतलब 50-50 नहीं भाई, पूरे 1500 रुपए का ले जाऊंगा, तो कल के दिन रुपए नहीं बचेंगे मेरे पास, और फिर खाना कैसे लेके आऊंगा? लेकिन इससे एक विंडमिल बन सकता है, समझ रहे हो तुम? एक विंडमिल जितना मैंने परचेज कर दिया है, और मैं बर्बाद होने वाला हूँ वापस से। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि अगर अब मरा ना कोई तो मैं बर्बाद ही, समझे ना, मैं पूरा जोर से बर्बाद हो जाऊंगा इस बार अगर मैं कोई मर गया है। लाओ लाओ फटाफट लाओ, विंड मील तो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा तो, या फिर ऑटोमेटिक फीडर बना देंगे, दो में से एक काम करेंगे। मैंने मेटल ले तो लिया खूब सारा, 50-50-50, देख रहे हो कितने हो गए मेटल, सोच के देखो कितने हो गए। और ये हो गए इसके अंदर लोड। अब चलते हैं रात की अंधेरी में घर, रस्ते में कोई मिल जाएगा तो उसको चुरा लेंगे। ये देखो इतने बड़े बड़े ट्रक है भाई, इनमें चोरी नहीं कर सकते, डकैत कर दूं, गाड़ी को रोक के यहाँ लगा दूं, आगे बंदूक तो मेरे पास है ही। साढ़े क्या जा, कहाँ जा रहा है? इधर रुकियो जरा, पैसा निकाल। पैसा नहीं निकालेगा, पैसा है रे, बाहर निकल, पैसा चाहिए मेरे को। अरे रिलोड तो नहीं कर रही, रुक जा 2 सेकंड, रुक जा रिलोड कर लूं जरा, एक मिनट रुक, बस रिलोड हो रही है। हाँ, और अरे टाइम बहुत लगाती है रिलोड होने में। हाँ हेलो, ए हैंडसम, अरे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। छोड़ो भाई मैं चलता हूँ वरना पुलिस आ जाएगी इतनी देर में। भागो यहाँ से, भागो जोर से भागो, मैं जाता हूँ घर पे। सीधी हो जा, गाड़ी जब मर्जी टेढ़ी हो जाती है यार। चलो जोर से चलो भागो जोर से। ओ एक सेकंड, इधर कोई है? अच्छा कोई नहीं है, अरे बोर्ड लगा हुआ है, मेरे को लगा हिरन है। ओह अबे चलते हिरन मिली गया गाइस, जी भैंस का कद्दू काटू। रुक कहां जाके, कहीं तो रुकेगा। अरे रुक जाना, मर जा। इधर मार दिया गाइस, मार दिया मैंने। रुक जाओ, कलेक्ट कर लूं। रुक, 3-4 गोली खत्म होगी रात के अंधेरे में, बट मैंने मार दिया। अभी दोबारा जाने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये और नहीं पता। इधर गाड़ी घुमाओ, इधर की साइड ही मारा मैंने कहीं तो। धीरे चल ले गाड़ी, येरा पकड़ो साड़ी को, लाओ इसमें भर लेता हूँ डायरेक्ट। और भाई इस बार है ना इसको वहां बेच के आने वाला हूँ मैं, शायद ये नहीं लेगा बेस्ट बर्गर वाला, क्या पता भाई बेस्ट बर्गर वाला लेता भी है कि नहीं, मेरे को बस अफवाह उड़ती आई थी, मैंने कैच कर लिया। भाई शुगर का मांस बेचेंगे, बताओ कोई बात है? शुगर का मांस बेच के खिलाएंगे वो बर्गर, लेकिन ठीक है अभी अपने को क्या करना, अपने को तो सोने का है। चलो गाड़ी घुमाओ जोर से, और ये रहा मेरा घर, ठीक है। यार मैं घर भी बड़ा बना सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैं बनाया नहीं हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन में, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है धंधा पानी सारा। चलो भाई लाइट्स बंद करो, अभी मैं चलता हूँ फटाफट से इधर की साइड। और अरे पलट गई गाड़ी भाई, देखो एक तो इनको पानी डालना भी एक हेडेक है, और इनको खाना डालना भी हेडेक है, मुझे दोनों ही चीज सही करनी है। वो उस चीज को सही करने के लिए मुझे बनाना होगा, कहाँ गया वो फीडर वगैरह, यही तो होने चाहिए यार, फीडर कहाँ है? ओके गाइस ये रहा फीडर, ये रहा देखो, फीडर के लिए चाहिए 125 मेटल और 50 कॉन्क्रीट। अच्छा कॉन्क्रीट तो है नहीं ना भाई, और विंड मिल के लिए चाहिए 150 मेटल, जो की मेरे पास है और मैं बना सकता हूँ। कहाँ बनाया जाए बताओ? विंड मिल यहाँ बना दूं, इसके साइड में कैसा लगेगा? अभी फिलहाल तो मेरे को ना ये चीजें उठानी है यहाँ से। और आज भी मैं सो लिया हूँ गाय का दूध बिना निकाले, वरना 2 बार निकाल सकता था मैं गाय का दूध, और क्यों ना निकाल ही लें दूध गाय का सुबह पहले, मस्त एकदम, फिर एक शाम को निकाल लेंगे, ठीक है। लाओ काए गाय काए, ओए गाइस एक नया मुर्गी का बच्चा बाहर आ गया। मुर्गी कह रहा हूँ, मुर्गी है तू? साढ़े बता नहीं सकता कि मैं बकरी हूँ, बकरी। हाँ भाई गाइस, बकरी का बच्चा बाहर आ गया है। और तुम कब दोगे बच्चा? तुम भी दे दो यार, ऐसे मत करो, देख मेरे को जो है डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी जल्दी, तुम भी दे दो बच्चा। और भाई बकरी का दूध निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बकरी पिएगी ना वो, तो बकरी का बच्चा पिएगा दूध, तो मैं निकालूं कि नहीं निकालूं? ये तो कोई बताओ मेरे को, क्या पता भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं, अभी निकाल के देखते हैं अपन। तो लाओ दूसरा केतली, कहां है अपना दूसरा केतली? चलो इसको लगाने का इसके अंदर। और कहां है बकरी किधर है? ये क्या हन वाली कहां है? अच्छा उसकी तो दाढ़ी आ रही है, जरा तू इधर। चलो भाई दूध दे दे फटाफट। हां बच्चा तो जरा इतना थोड़ी पीता होगा, इतना मैं निकाल लेता हूं, बच्चा बच्चे को पिला दियो, थोड़ा बहुत तो बचाती होगी, इतनी बुद्धि नहीं है कि तेरे में, थोड़ा बहुत बचा दिया दूध को, ठीक है समझ में आ रही है। चलो अभी इस दूध को यहां पे इसको उठाओ, अलग अलग उठाना पड़ेगा, इसको उठाओ यहाँ रखो, इसको उठाओ, इसको भी यहाँ रखो, इसको उठाओ, इसको भी यहाँ रखो, इसको भी, बाकी बची हुई चीजें यहाँ रख देते हैं बस। अब ये जो है बढ़ेगा अपना सीधी की साइड सीधा आगे की साइड बढ़ेगा, ठीक है। ये बस को भी उठाओ, साड़ा बस आगे लग जा थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लिया कर। या फिर मैं वुड इकट्ठी करूं यार, एक साथ ही बढ़ाऊं इसको, क्या कहते हो? मेरे को समझ में है ना, जो आती नहीं है आधी बातें। और यार ये फिर अब जोर से और भागेंगे, देखना अब ये खोलूंगा वैसे ही भागेंगे जोर से। मैं तोड़ रहा हूँ, भाड़ में गई दुनियादारी, देखते हैं अब क्या होगा।
अरे ये नहीं तोड़ रहा, मैं ये नहीं तोड़ना चाह रहा, इसको लगाओ, लग जाएगा क्या ये? क्यों नहीं लग रहा ये? अब लग क्यों नहीं रहा है मुझे ये बता। निकल गए सब, निकल गए सब, निकल गए। लाइए दे दे, ये दे दे, इसकी वजह से नहीं लग रहा तो ये तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा क्या ये है? ये हटा रखा है मैंने, और क्या है? और तो कुछ नहीं है यार, तू बना देना, भग जाएंगे भाई जब तक सारे। भग गए सब, भग गए, अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अरे काम कर सकता था सबको, पहले इस ट्रक में लोड करा देता। इधर 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 इधर, चल 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 चल, इसमें जा। ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो रही? तू हो गई ट्रांसपोर्ट, हो गई। अब दूसरा कहाँ है? दूसरा, इसको भी ट्रांसपोर्ट कराओ, इधर फटाफट इसके अंदर जा। चलो ये भी ट्रांसपोर्ट हो गई। इसके बाद एक पिगी, दोनों पिगी ट्रांसपोर्ट करा दूं या फिर गोट? यार गोट ज्यादा जरूरी है, पिगी तो तुम बाहर में जाओ सस्ते आते हो। गोट कहाँ? और गोट भक्ति भी बहुत जोर से दूर दूर तक ये रही। बच्चा, शेट, बच्चा बहुत दूर चला गया इसका। आजा 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 आजा। अच्छा ये गाड़ी भी तो है अपने पास, इस गाड़ी में भी तो ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं इनको। रुक 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 रुक, लेके चलियो आगे, लेके चलियो आगे, लेके चलियो। आड़ो बारिश आ रही है, जल्दी आ जाओ इसके अंदर वरना भग जाओगे तुम, मेरे को दिखोगे भी नहीं। इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। चलिए जरा, ये हो गई ट्रांसपोर्ट। और दूसरी बकरी कहाँ है? देखना देखना देखना, कितनी दूर, इतनी दूर जाके पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्या मिल रहा है तेरे को यहाँ? इधर भाई, सबको सेफ रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बकरी का बच्चा भग गया है, वो भी मिल जाएगा मेरे जहाँ तक, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मुझे गाड़ी ले जानी पड़ेगी, वो लोग तो आते नहीं जल्दी जल्दी। और भाई बकरी का बच्चा भग गया है, बकरी का बच्चा बहुत जोर से भगा है, पता नहीं कहाँ, दिख नहीं रहा है। देखो वापस इनकी हेडेक हो गई है मेरे को। चलो इसमें बैठो तुम दोनों, उसके बाद जो है इसको उठाने का, पिगी को रखने का इसके अंदर, ठीक है। रख दिया रख दिया। अभी कहाँ है? एक पिगी तो ये रहा और एक बकरी रह गई है बस, है ना। बकरी दिख नहीं रही है, बकरी दिख नहीं रही है, छोटी सी अलग है, क्या पता भाई बकरी कहाँ गई। देखो दिख नहीं रही है, कहीं नहीं दिख रही है मेरे को तो। ओके गाइस, मेरी एक बकरी का बच्चा बछड़ा खो गया है, बछड़ा बछड़ा तो गाय का होता है। चलो इसको भी अंदर रखो, ठीक है। ये भी अंदर बैठ गया है। अभी बस एक बकरी का बच्चा ढूंढना है, वो मैं गाड़ी से ढूंढ लेता हूँ, मिलता है तो ठीक है, वरना इन लोगों को तो सेफ करूंगा। कहाँ है भाई बकरी का बच्चा, कहाँ है जरा बताओगे? कहीं नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा, कहीं ऊपर तो नहीं चढ़ गया यार, वो छोटा भी तो इतना था, दिखेगा भी नहीं। हेलो बकरी का बच्चा, हेलो। अरे कहाँ गया है बकरी का बच्चा, क्या पता गाइस बकरी का। ओ मिल गया, मिल गया। रुक जा रुक जा रुक जा, एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, मिल गया है मेरे को, मिल गया है। एक काम मैं कर सकता हूँ, इधर उतर, तू उतर, नीचे उतर, भागे मत, इधर आ चुका, खोलो गेट, खोलो, अरे इधर से मत खोलो, इधर आ, इधर आप गेट खुलने दे, है ना। अब तू अंदर आ, अंदर आ, अंदर 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 आ, अंदर आ जा, अंदर आ जा। इसको बंद कर, इसको खोल, इसको उठा, इसको बंद कर। अरे चल चल फटाफट गाड़ी लेके चल, बस दो मिनट का काम है यार, दो मिनट में मैं तुम्हारा उसको बड़ा कर दूं, बांध को, उसके बाद मैं ना तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। इधर आ बकरी, बकरी का बच्चा, इधर आ, इधर आ, इसमें बैठ, बैठ गया। चलो भाई अब मैं फटाफट से इनके बांध को बड़ा कर देता हूं। पैसा एक रुपए नहीं है मेरे पास, लेकिन अब मेरे को इनका खाना पीने वाला तोड़ना पड़ेगा। देखते हैं भाई, तोड़ के देखते हैं, और तो क्या ही बताऊं। लो तोड़ दूं इसको, और कुछ नहीं मिला इसमें, तोड़ भी दिया और मिला भी कुछ। कर लो बात, अब तो बना दियो भाई, अब तो बना दियो, अब कौन सी मेरे से दुश्मनी है तेरी, अब तो बना दे। देखना अभी भी नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, शायद ये आड़े आ रहा हो। इसको भी रखो यहाँ, इसको भी रखो यहाँ, और क्या आड़े आ रहा है? और तो कुछ आड़े आ ही नहीं रहा यार, बन जाना, बन जा सिम सिम, बन गया बन गया। चलो डालो इसके अंदर, डालो सब कुछ डाल दो इसके अंदर। अभी एक एक करके क्यों बनना चाह रहा है तू, पागल है क्या? इसको बनाओ, इसको बनाओ, ऊपर चढ़ो, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको भी, इसको भी। चलो डन हो गया भाई, सब कुछ डन हो गया जोर से। एक दो तीन चार पाँच, एक बटन लॉक और दे दे, और ये छह, डन भाई, सारा काम हो गया है। अपना बांध आगे की साइड बढ़ चुका है, अभी मुझे कुछ कुछ ये सारे सामान खाली करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, जिससे कि दूसरा बांध बन सके। और बन रहा है क्या? खुद ही से बन जाना यार, नहीं बन नहीं रहा, ये सब सामान उठाना पड़ेगा आगे से। मेरे को ये पता होता मैं पहले अनलोड करा देता, यहाँ से हटा देता सारे सामान, तभी मैं उनको उठाता, लेकिन मुझे ये चीज पता नहीं थी, मुझे तो लगा था इनके साथ में भी बन जाएगा। चलो भाई सारी चीजें सामने से तो मैंने उठा दिए, देखते हैं अब बन रहा है क्या सेकंड पार्ट। ओके बन रहा है, बन रहा है, बन गया सेकंड पार्ट, बन गया। थर्ड पार्ट और बनाना है, क्योंकि इतनी वुड है मेरे पास, अभी अच्छी खासी वुड है मेरे पास। इसमें लगा दो, 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 लगा दो, और इसमें लगा दो। एक बार में वुड ले लेना, कहीं कहीं क्यों लग जा रही है तू, सिर्फ इतनी वुड लेनी एक बार में एक जगह से ले ले, माता थोड़ी खत्म कर, मेरे जानवर बड़े भूखे मर रहे होंगे वहां पे। और भाई देख रहे हो कितना बड़ा हो गया अपना बांध, और ये देखो भाई अभी एक और बनने वाला है, आगे की साइड एक और बनने वाला है। लेट्स गो भाई, उठाओ इसे, उठाओ, और कुछ तो नहीं आ रहा आगे, अच्छा ये आएंगे अब आगे। और फिर उसका फ्रंट हिस्सा भी बनाना है मेरे को, लाओ थर्ड पार्ट लगेगा अब यहाँ पे। और क्यों, अच्छा ठीक है, ये बीच में आ रही है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बीच में नहीं आ रहा, चलो अब बन जा। और ये लग गया, लेट्स गो, नादन धनादन काम करो। और गाइस ये अपना बांध भी पूरा होने वाला है, यहाँ लगाओ एक, बस अब थोड़े से और वुड चाहिए। कहाँ गए? कोई वुड खत्म मत हो जाना, मेरे को अभी फ्रंट का और बनाना गेट, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। इसको इसको लगाओ, इस पे लगाओ, लगाओ, चलो बन गया, पूरा बन गया है। और अभी इसका फ्रंट सेक्शन बनाना है, इसको रखते हैं बाहर, और इसको उठाओ फटाफट से, इसको भी रखो बाहर। चलो अभी बिल्ड मेन्यू में चलो, बांध
फ्रंट हाउस, ठीक है, फ्रंट सेक्शन, और इसके बाद इसमें एक डोर लगाना है साइड वाला, कहां पे, यही तो होता है कहीं, हाँ यहाँ पे होता है। इसके बाद एक बड़ा वाला डोर कहां है, ये रहा। चलो ये डोर भी लग चुका है। अभी भाई इन सब चीजों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत बहुत वुड जाने वाली है और मुझे नहीं पता ये बन के रेडी होगा भी या फिर नहीं पूरा। इसको लगाओ, 1 2 3 4, अच्छा वुड पड़ी है भाई, बहुत सारी वुड पड़ी है, हो जाएगा जहां तक रेडी है। E2 install, यहाँ पे लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। चलो भाई पूरा बन चुका है, अभी बस ये गेट्स बनाना बाकी है, और गेट नहीं बने अगर तो नहीं होगा, पूरा काम नहीं होगा। रुक जाओ, इसके अंदर डालो, 8 आ गया इसमें, ये उठाओ, ये इसमें डालो, और के बस अब मेटल चाहिए, मेटल कहाँ है, मेटल देना, मेटल मेटल मेटल। ये गेट हो गया पूरा, लाओ अभी सारी वुड्स दे दो जितनी भी है, ठीक है। इसमें कितना डल गया, मैंने थोड़ा बहुत तो डाला था सामान, ओके 12 हो गया है, 12 बस, 12 और 16 का अंतर है, 4 चाहिए। ये कितनी है, 3 है शायद, 3 है, नहीं मेरे को और काट के लानी पड़ेगी, 1 बच गई है, 1 मिल जा कहीं तो। ओके लेट्स गो भाई, लेट्स गो, बन गया मेरा बांध, बन गया। उससे पहले एक काम करना चाहूंगा मैं, गाड़ी में बैठो, गाड़ी को ऑन करो, अरे नहीं लेकिन फिर ट्रक अगर मैंने अंदर घुसा दिया और गेट बना दिया तो ट्रक अंदर ही रह जाएगा, पागल हूं क्या मैं, क्या क्या करता रहता हूं मैं भी। छोड़ो, इसको लगाओ इसमें, बची ये उठाओ, मेटल इसमें लगाओ, एंड अबे अच्छा वो एक ही मेटल था कि मैंने सोचा इतने सारे मेटल कैसे खा गया ये। ले भाई मैंने पूरा बना दिया है, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, और भाई ये देखो कितना बड़ा अपना बना हुआ है, और अंदर भी बहुत सारी वुड पड़ी थी। अभी तो अपन एक और पार्ट बना सकते थे इसका, लेकिन ठीक है भाई ऐसे अब 2 बना देंगे, बहुत बड़ा हो गया ये, इतना इससे ज्यादा बड़ा चाहिए भी नहीं, खराब लगता। अब इसको आगे लो पहले तो, के पीछे ले लिया डायरेक्ट मैंने, अरे मेरे को भी चलानी नहीं आती गाड़ी, थोड़ी बहुत ऐसी आती है गाइस। ओके उतारो, अब एक एक को करके उतारो, अब ये भागेंगे, और ला इधर इधर, चल चुपचाप आ जा, आ जा अंदर, आ जा अंदर, आ जा, दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब बड़ा एरिया है ना, बस गेट के पास मत रहियो, समझ में आई, चल जाए यहाँ से। आओ दूसरा उतारो, दूसरा भी इधर आ ही रहा है, खुद ही से भग के आ रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, टेंशन नहीं, अरे अंदर आ जा गुरु अंदर आ, वो पानी पी रहा है, खाना पीना खा रहा है। चलो इसको बंद करो, इसको बंद करो, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो, आजा आजा आजा, खुद ही आ रहे हैं भाई, खुद ही आ रहे हैं, इधर की साइड भगते हुए, और इधर फंस जा रहे हैं, सही जगह लगाइए एकदम गाड़ी, मस्त, आजा अंदर आजा, सबको भूख लगी इसलिए भाई सब अंदर की साइड ही भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों, आजा तू भी आजा, आजा आजा अंदर आजा, अंदर आजा। ओके लेट्स गो, ये भी अंदर आ चुकी है, इसको भी बंद करो, इस गाड़ी में बैठो, गाड़ी को रखते हैं आगे, ठीक है। और अब मेरी वो गाय गाड़ी भाई, इसमें भी बकरियां हैं बहुत सारी, मेरी एक बकरी अंदर की साइड है, वो मर ना जाए, बस लाओ इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, अब पता पड़ा ना भूखे रहते हो तो कैसा लगता है तुम लोगों को, इमोशनल कर लो, मेरे को भग भग के आ रहे हो ना, जो तुम बांध के पास मारूंगा तो सही, तुम बड़े हो, तुम सबको मारूंगा, इधर तू तो छोटी है, तेरे को क्या मतलब, तू इधर चुपचाप अंदर आ जा, तेरे को नहीं मारूंगा, तू बड़ी हो जा पहले। गेट खोलो, इसको बंद करो, और इसमें लेके आते हैं भाई लास्ट बकरी, बस वो मरी नहीं हो, और बकरी की बकरा ये और दिक्कत है, वो बकरी बकरा हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि बकरी होगी तो मर चुकी नहीं हो, काश बच गई, बच गई, और बकरी और है, बकरी है, बकरी है, बकरी है, गाड़ी में बैठा, और ये गाड़ी में बैठ गई है, लेट्स गो फटाफट से चलते हैं। और मुर्गियों का खाना पड़ा है कि नहीं, ओ मुर्गियों के पास खाना पड़ा है, लेकिन मुर्गियों के खुला हुआ नहीं है, वो काम का नहीं है, मुर्गियों को डालो यहाँ, खोलो इसको, ठीक है, खाना खा लेना चुपचाप से, माता फोड़ी नीचे मेरे को, इतना बड़ा बांध हो गया है, मैं क्या ही बताऊं, ले भाई खोलो दरवाजा, खोलो, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे बांध की, कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, पागल है क्या थोड़ी सी, पागल है क्या थोड़ी सी, इधर इधर, बारह 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 बारह, चलो लेट्स गो भाई, सबको अंदर फिट कर दिया है, बस ये लोग खाना खा ले, इधर खाना है इनके पास, ठीक है, इधर और लगाना है, दोनों साइड चारों साइड लगा दूंगा तो सही रहेगा, है ना। लाओ अब खाने के लिए भी लगा देता हूँ, और बढ़िया है थोड़ी बहुत मेरे पास वुड प्लैंक्स बच गए, अभी टेबल क्यों लगा रहा हूं मैं, बढ़िया है भाई थोड़ी बहुत वुड प्लैंक्स बच गए, क्योंकि ये काम आएंगे अब इनके खाना डालने के, ये रहा खाना खाने का, ये रहा, अरे क्या लगा रहा हूं, ये रहा भाई फीडर, ये रहा इस, ओके बच्चे हो रहे भाई यहां, वापस से बच्चे हो रहे, सही है सही है, तगड़ा काम चल रहा है, तू हट पहले, समझ में आ रही है, बैल सी शक्ल के, अरे हट जाना यार, यहीं क्यों आना है, यहां वो लगा रहा हूं सामान, लगा समझ में नहीं आ रही तेरे को, अब वो बकरी आएगी, वो बकरी आएगी पक्की बात है, बस को लगाओ यहां, ठीक है, तू इधर वापस से प्रेग्नेंट होगी भाई, वापिस से प्रेग्नेंट हो लिए, चल अब इस बाउल को लगाएंगे अपन, देखना देखना देखना, यही आना है सबको, यही आना है, मेरी मेरी छाती पे बैठना है सब, चलो भाई डन, अभी मेरे को ये बनाने का है, बट इतने मेरे पास प्लैंक होंगे नहीं, प्लैंक बना दूं, रुक जाओ ये उठाओ, ठीक है, इसको डालो इसके अंदर, और भाई किसी का खाना कम तो नहीं है, इन दोनों ने खा रखा है खाना, इन दो इसने खा रखा है, इसने खा रखा है, अरे हटना, इसने खा रखा है, ओके सब ने खाना खा लिया है भाई, सही है, यही तो चाहिए था मेरे को, नाइस, अभी चलते हैं फटाफट से, ये बची हुई वुड उठाते हैं, और बस इनके पानी का सोर्स बनाना रह गया है, वो मैं बना दूंगा आज ही, और ये बकरी बकरी बढ़िया चल रहा है, इसमें पानी है, पानी है, खाना है, दोनों चीज है, चलो मेटल उठाओ यहाँ से, चलो, और तुम कोने में क्यों, तुम्हें क्या लगता है अब निकल जाओगे, अब इतना बड़ा एरिया बना दिया, अब नहीं निकल पाओगे बेटे, लाओ ये एक वुड किसी में से तो कम हुई थी ना, इसमें से कम हुई थी क्या, इसमें लगा देते हैं, अच्छा नहीं अलग अलग ही रहती है, चलो 48 इसमें और 1, अरे ये तो दिक्कत वाली बात होगी, एक वुड एक मेटल कम पड़ गया ना, वरना विंड मिल बन जाता मेरा, एक है क्या मेटल दे दो यार, एक मेटल दे दो, एक तो होगा तुम्हारे पास, और अब एक मेटल खरीद नहीं सकते, बात है ये, नहीं हट जा भाई, हट जा जोर से, हट जा,
चल अंदर। अब भाई थोड़ा बहुत पैसों का जुगाड़ देखते हैं, और तो क्या ही बताऊं, मैं इतनी सारी वो लाया था तब खराब हो गया है, और मेरे पास इस टाइम 80 माइनस में चल रहा है, 80 माइनस रुपीज है मेरे पास, 80 माइनस। लाओ भाई थोड़ी बहुत यही बेचा हूं मैं, और तो क्या ही। इसको दे दो, और क्या दोगे बताओ, ये दे दो, और कुछ दे सकते हो तुम, सही दे सकते। और मैंने वो ओके गाइज वाइल्ड मीट भी इसी के अंदर है। और गाइज अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये बंद करते हैं, अंदर 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 बंद करो। और यहाँ पे एक मोटा सा पिगी है, मतलब ये तो माँ होगी है, ओके ये माँ नहीं, हाँ यही मैं कह रहा था गाइज, ये मोटा सा पिगी क्यों ना इसको मार दिया जाए, क्या कहते हो गाइस। वैसे यार इसको नहीं मारूं तो ही सही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये बच्चे दे देगी, फिर वापस प्रेग्नेंट कौन होगा, वापस प्रेग्नेंट कैसे होगी, है ना। पैसे कमाने का कुछ और जुगाड़ देखते हैं, पहले तो यहाँ से उतरो। और मैं अंडे की वो बेच के आ गया था इससे पहले, बास्केट, तो वो भी लेके आनी है मेरे को, फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पे गाड़ी रोको रोको रोको, हाँ भाई अब बता क्या चाहिए तू, अंदर चल ले चुपचाप, समझ में नहीं आ रही तेरे को। अब इन लोगों को भी शिफ्ट करें क्या, और भाई चिकीज बढ़ गए हैं शायद, हाँ चिकीज बढ़ गए, दो चिकीज हो गए, बाकी चिकीज शायद मर गए पता नहीं क्यों, क्योंकि खाना नहीं डाला था मैंने। अब इन चिकीज को मैं क्या ले जा सकता हूँ क्या, रुकना हटना हटना हटना, इन ये चिकीज बिकेंगी क्या, ओके ये रख तो रहे हैं आप, इन चिकीज को मैं बेच आता हूँ, क्या कहते हो, बड़ी तो होनी रही है चिकीज, अरे तू हटने यार, ट्राई करते हैं गाइस ये चिकीज बिक जाएंगी ना, देखते हैं कितने की बिकेंगी, बैठा ली दोनों को मैंने। लेकिन यार इनको मेरे को बड़ा करना था, देखना था, मस्त लगती है व्हाइट कलर की, और एक तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, खड़ी भी नहीं हो पा रहा भाई, इका चुकड़ा जो भी है। अब तो बस हिरन मार के काम चला सकता हूँ, और प्रेडेटर्स मिल नहीं रहे, तुम लोग कह रहे हो डॉग पाल लूं, हैं डॉग पाल लूं जिससे मेरे पेट्स सेफ रहेंगे, साला प्रेडेटर्स मिल तो रहे नहीं है, कहां से भाई चाहिए प्रेडेटर्स मेरे को। और तुम लोग कह रहे हो डॉग पालो, प्रेडेटर्स से बचा के रखेंगे जानवरों को, कहां से बचा के रखेंगे, साला है ही नहीं वो, मिशन पूरा नहीं हो रहा है मेरा। हां भाई अब बता, ग्रेप्स और वाइल्ड मीट है मेरे पास, अच्छा चिकीज नहीं बेच सकते, अरे चिकीज बेचने ले आया, कोई बात ही, सेल करो बाय में चलो, और ये एक बास्केट ऐड करो ठीक है। और इस टाइम मेरे पास 84 रुपीज है, इसके ले लेते हैं, ये 70 रुपए का सामान हो गया ठीक है। चलो भाई चेकआउट करते हैं, एक अपन जो है उनके डाल देंगे खाना, और एक डाल देंगे मुर्गियों, अरे चिकीज सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, तुमको अपनी माँ से दूर ले आया मैं, भाई तुम में से कोई लौंडा आएगा ये बताओ पहले तो मेरे को, लौंडा है क्योंकि लौंडा चाहिए मेरे को, मेरे यहाँ पे जो दोनों रॉकस्टार थे वो दोनों मर गए, अब मेरे को तुम लौंडा करके दो वरना तुम ऐसे कराओ तुम मर जाओ। घर आ गए चिकीज, घर आ गए, सॉरी मुर्गियों मैं तुम्हारा बच्चा उठा ले गया था, अरे क्या ही बताओ, ऐसे अंदर से दुख हो जाता है मेरे को गाइस, तुम समझते नहीं हो, दुख बहुत होता है मेरे को इनको बेचते हुए, ऐसा थोड़ी जबरदस्ती बेचना चाह रहा हूँ, पैसा चाहिए थोड़ा सा क्या ही बताओ, मंदी चल रही है भाई, आओ इधर आओ इधर आओ, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, बड़े हो जाओ, समझ में आ रही है। हाँ अभी भाई मेरे को ये देखने का है इनका काम हो रहा है नहीं हो रहा, क्या चल रहा है इनका, ओके गाइस हनी 100% बन चुका है, इसको बंद करते हैं यार, लेकिन इसमें मेटल चाहिए 20 और कॉन्क्रीट चाहिए 20, तब मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, और एक बैरल चाहिए, क्यों ना लेके आया जाए भाई बैरल। और मैं ना ये अंडे लेता हूँ ठीक है, एक एक अंडे लेना चालू करता हूँ, मुर्गी अगर मेरे को मारने आई मतलब वो फर्टिलाइज अंडा है, और भाई मेरे रॉकस्टार तो सारे मर ही गए ना, तो क्या ही मारने आएगी मेरे को। चलो भाई बैठो नीचे, सारे अंडे उठाता हूं मैं, किसी भी अंडे में मारा मतलब वो फर्टिलाइज, किसी में भी नहीं मारा देख रहे हो तुम, किसी में भी नहीं मारा, क्योंकि फर्टिलाइज कोई अंडा है ही, मुझे बहुत अच्छा। तुम सब बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ बेटा, इसे उठाओ, लो अंडे को लो, और इसको उठाओ, एक अंडा बाहर भी दे रखा है इन लोगों ने, आराम के पिल्ले हैं ये दो इधर, इसको उठाओ ठीक है। चलो भाई गेट खोल देता हूँ तुम्हारे लिए, बढ़िया, और खाना नहीं ना तुम्हारे पास, दो ही सेकंड रुकना, दो ही सेकंड रुकना, ये उठा लो मैं अंडा, ला रहा हूँ तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, इसको उठाओ, इस खाने को डालो इसके अंदर। चलो पानी है, पानी पानी नहीं है, पानी भी लाया, रुको पहले अंडे लेके चलते हैं यहाँ से फटाफट, चलो भाई फटाफट चलो, इसको लगाओ इधर, और इसमें से खाना उठाओ ठीक है। और भाई ये दूध देने लायक हो गई होंगी ठीक है, दूध निकालता हूँ इनका, दूध निकालता हूँ पहले, इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, और ये भर गया खाना। अब लाओ इन दूध से वो भी तो बना सकता हूँ, पैसा तो आ जाएगा मेरे पास, देखना कितना कितना बड़ा कर दिया भाई, देख रहे हो तुम, ये पहले कहाँ रखा रहता था और अब कहाँ रखा रहेगा, इन सब चीजों को सामने रखते हैं, और अब तो अपना अंदर ही इतना बड़ा हो गया कि मैं सब चीजों को अंदर ही रख, लाओ ये लो और खाना ले लो तुम ठीक है। और रात हो उससे पहले इनका दूध निकाल लूं मैं, दूध लाओ भाई लाओ, ये लगाओ इसके अंदर, इसको लगाओ इसके अंदर, और यारा दूध, चलो भाई इसका दूध निकल चुका है, इसको उठा लेता हूं मैं ठीक है, लगाओ इसमें, इसको उठाओ और हट जाओ हट जाओ, अच्छा मैं इसको अंदर ही रखता हूं ठीक है, क्योंकि अभी सुबह वापस से ये दूध देने वाले हैं। दूसरी बाटली भी अंदर लेके आओ, ये बकरी कहां है, कहां है ये तो बकरा, गाइस तुम्हें दिख रहा है क्या बकरी कहां, ओए इधर आइए, इसको उठाओ इसमें लगाओ और ला भाई दूध दे दे फटाफट फटाफट, मैं जाया हूं फिर सो जाऊं मैं। चलो हो गया दूध, गुड नाइट गाइस, तुम लोग भी सो बढ़िया, मैं भी सो के उठता हूं थोड़ी देर में, बहुत जोर से नींद आ रही है मेरे को, गाड़ी लेके जाऊंगा भाई, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है मेरी गाड़ी में, और पेट्रोल टैंक कहां रख रखा है मुझे ये याद नहीं है, पेट्रोल टैंक भी लेके आना है। और भाई कितना पास में हो गया ये, पहले दूर चल के आना पड़ता था, अब बिल्कुल एकदम यहीं से दिख जाते, देखो कितना बड़ा बांध हो गया। इसके बगल में ऐसे दो और बनाऊंगा भाई, एक के अंदर काउ रहेगी, एक के अंदर गोट रहेगी, और एक के अंदर सारे पिगीज, और भाई पिगीज इतने बड़े बड़े हो जाएंगे फिर उनको काट के बेच दूंगा। चलो भाई मैं इनके पास आ गया हूं, अभी ये जो है काम की चीजें मैं यहां से उठा लेता हूं, और इनको सबको यहां से डायरेक्ट अंदर शिफ्ट नहीं कर सकता क्या, अंदर रख लो इसको, खोलो गेट खोलो, इसको रखो अंदर, इसको करो बंद, फटाफट बाहर चलो वापस से, इसको उठाओ, इसको खोलो, इसको रखो यहां, इसको करो बंद। और अभी किसके अंदर जाता है, देखो इसके अंदर चार है, इसके अंदर दो है, इसके अंदर तीन है, इसको उठा लो चार वाले को, है ना। और अब ये बनाएंगे अपन, लाओ पहले तो गोट का है, गोट का लगा हुआ है ना वहां पे टैंकर,
इधर आ फटाफट, इधर आ, इधर आ जा, तो निकालो इसमें डालो, इसे दूध आए फटाफट। और काय काओ कहां है अपनी, ये ना काओ, इधर आ तू भी इधर आ। भाई तू बच्चा क्यों नहीं दे रही, बहुत टाइम हो गया। और ना भाई पिगीज और ही कितनी देर देर में बच्चा देते हैं, गोट ने कितनी जल्दी बच्चा दिया देख रहे हो तुम। अच्छी है, गोट को डालो इसमें, इसको निकालो बाहर, इसको लो, इसको यहां रखो, इसको लो, इसको दूध। अभी भाई मेरे पास बहुत सारा दूध आ जाएगा देख रहे हो, 36 37। अरे जाना अरे जाना बैल शकल के। 42 फिल द मिल्क कैन, ओके मेरे को एक नया अचीवमेंट मिल गया है, लाओ इसको दो। अभी इसको लेके चलते हैं और ये सब प्रोडक्शन में बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। इसको दो, इसको यहाँ रखो, इसको दो, इसको रखो यहाँ पे। यार इसके लिए अलग से सब कमरा बना सकते हैं अपन, लेकिन ओके पिगीज के बच्चे हो गए कितने भाई, 1 2 और 2 ही बच्चे करे यार, हर बार 6 6 7 7 करती है, मतलब दिखा दी ना औकात, दिखा दी ना। ये लड़की नहीं, ये लड़का है, ये लड़का है, ये है लड़की। वापिस करो रे, वापिस करो तुम कुचू कुचू, वापिस करो ठीक है। अभी इसको जो है इसको भी यहाँ लेके चलते हैं फटाफट से, का दूध निकालने का, मेरे को दूध का कर्ड बनाने का। अरे हट जाना, तेरा भी कर्ड बना दूं क्या बैल, तेरे को जिस काम के लिए रखा है वो काम करना जाके भाई, वो काम मेरी पैकेट का ही है। चलो भाई कुकिंग स्टार्ट करो ठीक है, जब तक मैं और पैकेट लेके आता हूँ बाहर जाके। यहाँ पे रखे होंगे थोड़ी बहुत पैकेट, ये रहा। एक पैकेट ये कौन सा, काओ मिल्क का, ये नहीं, ये चाहिए गोट मिल्क का। काओ मिल्क में तो भाई वो महंगा वाली डालने वाला हूँ मैं, और ले आऊंगा वो महंगा वाला खरीद के, ठीक है 200 रुपए का पड़ता है लेकिन क्या। चलो भाई कितना हुआ, ये कितना हुआ, हो गर्मी ले रही है छोटी बकरी। चलो भाई 96 और ये हो गया 100। इसके बाद वापस से काओ का मिल्क डालो और ये उठाओ। अरे हटना, अरे हटना, अरे हटना। चलो इसमें डालो, इसको बंद करो, थोड़ा बहुत तो पैसा आएगा भाई इनसे। इस टाइम मेरे पास -71 रुपीज है, -71। तुम लोग खाना खा रहे हो ना बढ़िया, खाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे कितना है 14 पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है खूब, ठीक है। यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 13। चलो ठीक है, खाने की कोई कमी नहीं है, मेरे खाने की कमी पड़ रही है बस, इनके खाने की बिल्कुल कमी नहीं पड़ रही। दे रहा मैं एक बार पड़ गई थी जब सब मर गए थे सारे, सब मेरा साथ छोड़ के चले गए, मुसीबत के टाइम पे कोई साथ नहीं होता। चलो भाई अभी इसमें मैं पानी डाल देता हूँ, विंड मिल बनाने का सपना था मेरा, सपना ही रह गया वो। वैसे बना सकता हूँ अभी भी विंड मिल में, लेकिन कहाँ ही बनाऊंगा मैं, थोड़ी बहुत रुपए चाहिए, रुपए कमा लाऊं फिर बनाऊं। इन सबको पानी डालो, 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 पानी 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 हो गई। अभी फर्टिलाइजर किधर का है मेरा, फर्टिलाइजर किधर है, हेलो वही फर्टिलाइजर कहाँ रख दिया, अंदर ही रह गया क्या फर्टिलाइजर, नहीं अंदर नहीं, इधर इधर पड़ा था, इधर पड़ा था कहीं। तो मैं फर्टिलाइजर डाल देता हूँ जिससे जल्दी जल्दी ग्रेप्स उगा के दे दे। यार फर्टिलाइजर तो मेरे को डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का कोई ऑप्शन है क्या, फर्टिलाइजर भी अपने आप डल जाए, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो मजा आ जाए। बाकी अब बताओ भाई विंड मिल कहाँ बनाई जाए, देखो इतना बड़ा अपना ये बान हो गया, इसके मैं सोच रहा हूँ बीच में यहाँ पे ना इधर की साइड बीच में बना दूं, एक जगह पे फीडर और एक जगह पे वो। अगर मैं फीडर बनाऊंगा, रुकना ये रहा फीडर, ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है, ये एरिया कितना बड़ा कवर करेगा एरिया, ओके ये देखो ये पता पड़ गया एरिया कितना बड़ा कवर कर रहा है, ये अपना पूरा बांध कवर कर देगा, लेट्स गो, सही है भाई। हाँ तो गाइस क्यों ना इसको ना देखो यहाँ नहीं बनाएंगे, इसको तोड़ो, इसको बनाते अपन इधर की साइड पीछे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा दूर। अच्छा इससे बनाने नहीं दे रहा इसके पास में, अब बन रहा है ये, क्या चीज है यहाँ बन रहा है भाई ये। तो अब देखो यहाँ पे बन गया, अब इतनी दूर इसके दूसरा बान बना देंगे यहाँ पे, तो जिससे दो फीडर्स मतलब दो बांस को कनेक्ट कर देगा, मतलब दो बांस के अंदर अपने आप खाना भरेगा भाई। ये देखो ये पूरा बान आ रहा है, ये पूरा बान आ गया इसके अंदर देख रहे हो, क्या सही लगेगा, सही है भाई, बहुत सही एरिया कवर कर रहा है। पीछे की साइड भी अपन कुछ बना सकते हैं अगर छोटा मोटा कुछ बनाना चाहे तो। इसको बने रहने देते हैं, इसको अभी विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं, इसको यही बनाएंगे, सही जगह लग गया ये चीज, बढ़िया है। लेकिन इसका गेट किधर है यार, ये गेट है क्या इसका, अब ये भी तो नहीं पता है ना, ये गेट है कि ये गेट है। अपने को तो विंड मिल बनाना है दूसरा, ठीक है। विंड मिल अपन क्रॉप्स वगैरह इधर बना रहे हैं, तो क्यों ना विंड मिल इधर की साइड बना दिया जाए। देखो विंड मिल लगा के देखते हैं, इतना बड़ा है ये विंड मिल, इसको मैं अगर कुएं के पास लगा दूं, हाँ ये सही है ना। देखो इस विंड मिल को मैं इधर लगा दूं तो कैसा लगेगा भाई। तुम लोग विंड मिल की लोकेशन बताना यार कमेंट्स में, इस बार नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दो क्यों, एक मेटल कम पड़ रहा है जो कि मैं एक मेटल खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो एक मेटल की जितना मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो वो बनाएंगे बाद में, और पहले अंदर वो काम चल रहा था ना भाई, काम चला कि नहीं चला, हाँ भाई दो या दो। अरे तुम सबको यही यार, इनको मारो, एक बार ये प्रेग्नेंट हो जाए, एक बार प्रेग्नेंट हो जाए बस, फिर इसको मारूंगा, ये मेल वाले पिगी को मारूंगा, ठीक है। इसमें फिट करो, गाय का दूध लो, इसमें डालो, इसको करो, इसको लो, इसमें डालो। चलो भाई इन सब सामानों को रख देता हूँ मैं बाहर, इनको बेच के आता हूँ, ठीक है। गेट को बंद करो। अभी गोट का मिल्क भी पड़ा है, और गोट के लिए मेरे पास 3 ही पड़े हैं, ठीक है। गोट का मिल्क मैंने दोबारा निकाला था कि नहीं, अच्छा निकाल लिया था ना, रात में तो 10 ही हुआ था। अरे तुम माथे पे चढ़ जाओ सारे एक दूसरे के। चलो भाई मैं ये कह रहा था ये बन गया है मेरा काम, ये लोग माथे पे चढ़ रहे थे और ये हो गया यहाँ पे। अच्छा अभी बना नहीं है क्या के बाद। चलो भाई मैंने अभी सबका कर्ड बना दिया, जितना मेरे पास जामन पड़ा था ना जामन, अभी मेरे को जामन खरीद के लाना पड़ेगा, समझ में आ रही तुमको। तो बंद करो, इसको उठाओ, इसको खोलो, इसको रखो यहाँ पे। अरे रख दे, बंद कर, आराम कर, भग जाएंगे। इसको खोलो, इसको रखो यहाँ पे, बंद करो, इसको खोलो, इसको रखो यहाँ पे, इसको करो बंद। भाई ठीक है, हो गया सारा काम। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, इन सबको बेच के आऊंगा। कहाँ मेरी छोटी रिक्शा, कहाँ छोटी रिक्शा में लेके जाऊंगा भाई। छोटी रिक्शा में जो है आसान पड़ता है, समझा करो मेरी बात। अंडे रखे हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं, इसको बाहर रखो, इसको फैट फिट करो यहाँ पे, इसको उठाओ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो उसके ऊपर,
ऊपर, इसको रखो इसके ऊपर, और इसको रखो वापस से उसके ऊपर, क्योंकि ग्रेप्स मुझे दिख रहे हैं सामने, तो ये कूलर भी लेके जाना पड़ेगा मेरे को। लाओ ग्रेप्स और दे दो तुम लोग, जितने ग्रेप्स उग गए। अच्छा एक ही के उगे हैं क्या, आड़ो बावड़ो, इसको रखो यहाँ। लेट्स गो गाइज, अभी अपन पैसा कमा के लाते हैं बहुत सारा। देखो तुम कितना पैसा कमा पाता हूँ मैं और कितना नहीं। 70 रुपए तो मैं माइनस में हूँ शायद आज के दिन, देखते हैं। कंक्रीट ले आऊंगा मैं, कंक्रीट ले आऊंगा, फीडर तो बनेगा कम से कम कुछ नहीं, तो विंड मिल नहीं तो फीडर बन जाएगी। इंट्रो में किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। इंट्रो में मैंने फीडर का वादा किया था कि अरे इंट्रो भूल गया मैं अपना 5 मिनट पहले का। लाओ भाई लाओ, अरे गेट खोल दे भाई, गेट 4 बार खटखटाया तब खोला इन लोगों ने। लाओ सेल में चलते हैं, और मेरे पास 920 रुपए आ रहे हैं। सही है भाई, कर्ड्स वगैरह बेच सकता हूँ क्या वो बिग वो बेस्ट बर्गर पे, क्या पता। मैं 3-4 पेटी तो ये ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं अभी के लिए फूड नहीं ले रहा हूँ, मेरे को फीडर बनाना ना। फूड क्यों लेते हैं, फीडर में शायद अपने आप फूड आता है क्या। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, फीडर में भी तो फूड मेरे को डालना पड़ेगा है? फिर क्या मतलब हुआ। अरे बुद्धि में फालतू की लगा लेता हूँ, इतनी जोर से वाली बुद्धि लगा लेता हूँ ना, क्या ही बताऊँ। फीडर में फूड मेरे को नहीं डालना पड़ेगा, तुम लोगों ने बोल तो दिया फीडर बना लो, अब फीडर में फूड कौन डालेगा। फीडर के फूड के पैसे मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, उसमें तो डालना भी ज्यादा पड़ेगा, वो बड़ा सा ड्रम है। समझ रहा हूँ मैं उसकी बात, की फीडर में बहुत सारा खाना डाल दो फिर अपने आप डलता रहेगा सब जगह, लेकिन फीडर में भी तो खाना मुझे डालना पड़ेगा। अरे शिट करा लेता हूँ, रोड से चलो रोड से चलो, जल्दी पहुंचेंगे। अरे गाड़ी रुकी क्यों रास्ते में, अच्छा रेड लाइट है क्या आगे। ए कीड़ा, फटाफट चलो हार्डवेयर शॉप पे, और अब लाया हूँ पैसा बहुत सारा। अच्छा पहले इससे पहले बहुत सारा पैसा लाया था, 1500 रुपए लाया था, अब तो फिर भी 900 रुपए लाया हूँ। रुको रुको गाड़ी रुक, थोड़ी बहुत हो सकेगी तो मेटल भी खरीद लूंगा, मेरी दोनों तीनों चीजें पूरी हो जाएगी। हाँ भाई अब बता, कंक्रीट मिल रहा है 250 रुपए का 50 केजी, ठीक है। और मेरे को चाहिए बताऊँ कितना, मुझे चाहिए 50 केजी चाहिए इसके लिए 50, और क्या बनाना है मेरे को ये देख। अच्छा हाँ इसके लिए भी तो कंक्रीट चाहिए था, हनी एक्सट्रैक्टर के लिए भी, इसके लिए चाहिए 20, और मेटल भी चाहिए 20, ठीक है। और ये मैंने बना ही लिया है, इसके बाद मेरे को जो है मतलब दो तो मैं ऐड कर लेता हूँ, 500 रुपए के हो गए, एक में 10-10 ही मिल रहे हैं क्या इसमें, तो दो मैं ऐड कर लेता हूँ, ये 700 रुपए ही हो गए, समझ में आ रही है। एक मैं ऐड कर लेता हूँ बैरल, बैरल कहाँ है, एक ही हो गया, समझ में आ रही है। और बाकी के मैं ऐड कर लेता हूँ ये, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, मेरे को हनी बीज और लानी पड़ेगी, अब वो कैसे मिलेगी वो मेरे को पता नहीं है, ले आएंगे। चलो इसे करते हैं चेकआउट, और मैंने 750 रुपए का फिर खर्चा कर दिया है, बट मेरे पास खाना नहीं है, आई डोंट नो क्या होगा। चलते हैं फटाफट फटाफट, और इनको रखते हैं यहाँ पे, लाओ इनको पहले जमा दूं मैं, यहाँ आ रहा है, ला इसको दियो, इसको इधर रख। और एक काम करता हूँ, बहुत सारा आइटम है, डायरेक्ट वहीं चल लेता हूँ। ओके गाइज मैं यहाँ आ चुका हूँ, अभी इन सब सामानों को उठा लेते हैं। और ये यार हनी मिलेंगे कहाँ मेरे को, ये और बताओ भाई, वो जो एक था ना जिसपे मेरे को मिला था वो तो वहां से हट गया, अब वो पता नहीं कौन अटके गया, कौन सा प्रेडेटर आया था, साला हनी को खा गया, हनी के छत्ते को खा गया, हनी भी इसको नहीं खाया, और ये आ भी नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर रखेंगे बाद में, पहले इसको रखो यहाँ, इसको उठाओ, इसको रखो, अबे आ क्यों नहीं रहा है कुछ भी, इसको रखते हैं यहाँ पे, अब रखते हैं, अब आ रहा है भाई। चल दोनों 50-50 केजी के इधर आ जाओ, बहुत सारा कॉन्क्रीट ले आया हूँ मैं, देख रहे हो तुम, पैसा बहुत है मेरे पास। अरे ये छोटी छोटी सी बाटली है क्या, ये तो दिक्कत हो गई, इसके अंदर मेरा इतना सारा हनी आएगा कहाँ से, इसको इस पे रख देते हैं। चलो भाई बारिश हो गई, वापस बारिश हो गई, भागो यहाँ से, तुम दमा के भागो, जोर से भागो, इधर मोड़ने का गाड़ी को, अरे पागल है गाड़ी चलाई नहीं जाती तेरे से, बुद्धि नहीं है तेरे। चलो भाई बहुत जोर से बिजली कड़क रही है, मेरे सारे मर जाएंगे पेट, फटाफट भागो फटाफट। आगे गाइस पोते के बगीचे आ गए अपन, और अभी जो है डायरेक्ट सारा सामान मैं यहीं ले जाता हूँ, क्योंकि यहीं डालना है मेरे को आधा सामान, तो लाओ भाई लाओ, खाली करो खाली करो, साड़ो इसको तो यहीं रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो काम आने नहीं, ये काम आना है, इसके अंदर 50 कंक्रीट डलेगा, और ये मैंने डाल दिया। लेट्स गो, अब बसता है मेटल, जो कि यहां रखा हुआ था सारा मेरा, ये रहा 50 का पैकेट, ये रहा। पीछे से चल लेता हूं, इतना गोल घूम के क्यों आया, पीछे से पास में पड़ता मैं। लाओ भाई ये डाल दिया मैंने 50 मेटल, उसके बाद ये रहा 50, और अबे इसमें तो एक ही है, 1 out of 50 इसके अंदर है भाई, 50 इसके अंदर है, ये लो इस 50 को डालो वापस से यहाँ पे, और भाई अब बस 25 बच रहा है। और गाइस मैंने अभी एक सेकंड कुछ तो देखा, रुकना देखना, ये है 48, ये रहा एक, और यहाँ पे पड़ा है यार एक, अरे शिट नहीं कर दी मैंने, मेरा वो नहीं बन सकता था इसमें, मेरा विंड मिल बन जाता इतने में, तो बताओ कोई बात है, हक दिया मैंने जोर से हक दिया, लेकिन छोड़ो अपना फीडर बन गया ना भाई, फीडर भी काम का है, फीडर ज्यादा काम का है विंड मिल से। ओके लेट्स गो, फीडर बन गया है, और इसमें अभी 0 out of 200 है, आर टू फीड द फीडर विद, ओके मैं इस फीडर को डायरेक्ट यहीं से बढ़ सकता हूँ, 200 रुपए लगेंगे, अभी मेरे पास 93 है, ओ ये ज्यादा बढ़िया चीज है यार, और ये देखो विजिबिलिटी इसकी इतनी है, लेट्स गो। मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ले आऊंगा पैसे, तो अभी ले आऊंगा, सिस्टम पार दिया भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो, अभी इसको लेके चलते हैं फटाफट वहां पे, हनी कलेक्ट करते हैं, हनी से थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, मतलब अगर 100 भी आ गए ना, 125 रुपए भी आ गए ना, 125 नहीं आते हैं जहां तक मुझे पता है, लेकिन 125 रुपए चाहिए मेरे को, अगर मेरे को उस फीडर को भरना है, और फीडर भर दिया ना तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, सब खत्म सब खत्म। सिस्टम हैंग लाओ ये दो, इसको इस कॉन्क्रीट चाहिए था ना, हाँ इसके अंदर कॉन्क्रीट चाहिए था, कॉन्क्रीट डाल दिया मैंने, अब मुझे चाहिए थोड़ा बहुत मेटल, ठीक है इस सबको अंदर रखो, इसको उठाओ, इसको डालो इसमें, और इधर भी पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तीन पड़ा हुआ है इसमें, वो भी डाल देते हैं, बचाओ ये भी उठाओ और इसको डालो इसमें। चलो भाई ये मेरा बन चुका है, और E2 टर्न ऑन, ओके ये कुछ तो है जो ऑन हो जाता है, और E2 ओपन, ओ इसके अंदर डालना है ये, इसको खोलियो इसको खोलियो इसको दियो, अच्छा मैं ले नहीं सकता रुक जाए, इसको ऑन करने दे, अब ले सकता हूँ, इसको लो और इसमें फिट कर दो, ठीक है इसको मैंने बंद कर दिया, अभी बैरल लगाना पड़ेगा मेरे को, हाँ बैरल लगाना है मेरे को यहाँ, ठीक है और अब इसको कर दो तो ऑन भाई, ओके भरने लगा,
लगा, भरने लगा गाइस, भरने लगा, क्या बात है। लेकिन ये पूरा बैरल के साथ बेच के आना पड़ेगा क्या? कितनी देर लगेगी इसको लेने में? और बीज उस पे रहेगी कि नहीं? बीज भी मर जाएगी। बीज कहाँ है? तो यार बीज ना मर जाए क्या पता, अभी देखने दो, ये भरने दो पहले। ओके 1.4 हुआ, बंद करते हैं। और इसमें 2% बचा है, अच्छा नहीं 2% तो बचा रहना चाहिए ना। हाँ गाइस मैं बताऊं, एक बुद्धि वाली बात बताऊं, 2% रहेगा तभी तो और हनी बनेगा, वरना तो बीज चली जाएंगे। और बीज की आवाज आ रही है, लेट्स गो, इसको बंद कर देते हैं। और भाई अपना हनी बनना स्टार्ट हो गया है, बस मेरे को हनी बीज और ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी बहुत इन प्लेट्स के लिए, जिससे कि मैं ये प्लेट्स ना और लगा सकूं। रुकना, इनमें सब में हनी देना पड़े, हनी लगाना पड़ेगा मेरे को, या फिर इसको लग दूं। यहां यार हनी पैदा भी तो होती होंगी, खुद ही से पैदा होके अगर भर जाए तो कैसी बात रहे। रुक जाओ, इनको मैं लगा देता हूं यहां। अगर इसमें 0% ही रहा ना, देखो उसमें 3% हो भी गया है, तो इसमें मैं हनी लेके आऊंगा ढूंढ के कहीं ना कहीं से। और भाई आज भी मेरा इस प्लान था कि इनको उधर उठा के रखूं, बट ओह बड़ा व्हाइट मुर्गा बड़ा हो गया भाई, वो चिकी बड़ा हो गया, क्या बात है। पानी नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ये इनको इनको खाना पानी दे दो, खाना पानी मांग रही है लोग, खाना पानी देने दो पहले, फटाफट चल, गाड़ी रोक फटाफट चल। पानी कहाँ है? पानी के बकेट कहाँ है? ये फर्टिलाइजर मांग रहे हैं साले, कोई ना कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है जीवन में, इतनी भिकमंगी है क्या ही बताऊं मैं। इसको उठाओ फटाफट से, चलो इसको रखने का सबसे पहले यहाँ। और मैं खाना लाया था ना, खाना लाया भी था, और इनको डाल दिया क्या? पूरा खाना ही डाल दिया क्या मैंने? अरे गाइस गाय का बच्चा भी आ गया, बछड़ा भी आ गया अपने यहाँ पे, और उनके लिए खाना खरीद के लाना पड़ेगा। खाना तो लाना पड़ेगा ना, समझता है कि नहीं तुम? 90 रुपया मेरे पास लाओ भाई, 200 रुपए में उस फीडर को भी भरवाना है मेरे को, बट अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारा खाना रखा हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को फीडर भरवाने की। फटाफट से चलता हूं, और भाई मुर्गियों के लिए खाना लेके आता हूं। अरे पानी की बाटली कहाँ उठा के ले आया साथ में? वो पानी हिल रहा है इसके अंदर, देखो तुम ध्यान से देखो, पानी हिल रहा है, देखा तुमने? देखा देखा तुमने? देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ फटाफट से। यू फूड लिख दिया इसका नाम, चेंज हुआ है शायद। लाओ खाना दो मेरे को, खाना दो। 4 बीट तो ले जा नहीं सकता मैं, 90 की ले जा सकता हूँ, चेकआउट कर दिया। बस भाई अब मुझे 200 रुपए कमाने कुछ भी करके, जिससे ना मैं खाना उनका फीडर भर सकूं। अब उनको खाना नहीं डालूंगा, डायरेक्ट फीडर भरूंगा भाई उन लोगों का, क्योंकि भाई 30-30 रुपए में सिर्फ यहाँ पे कितना आता है? 7 आता है इसके अंदर, क्योंकि एक 7 वाला बैग भर जाता है इससे। 7 नंबर का जो पॉट है ना, जिसके अंदर फूड आता है, वो भरता है बस इससे, मतलब 7 भरेगा और 200 रुपए में वहां पे 200 भर जाएगा, तो सही बात नहीं है। चलो फटाफट चलो, जल्दी जल्दी चलो, भागो। ओके गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और इनको खाना मांग रहे हैं लोग, इनको खाना देता हूँ पहले। ठीक है लो खाना, लो खाना ले लो, पूरा खाना खाओ बढ़िया एकदम। इसमें डाल देता हूँ मैं पानी तुम लोगों के लिए। चलो भाई सारा काम हो गया, और बताओ कोई भूखा है? ओ भाई ये चिकीज भी व्हाइट है, ये चिकी व्हाइट वाली आएगी देखना, अभी मुर्गियां अंडे देंगी, मजा आ जाएगा। बाकी भाई मेरे को विंड मिल बनाना है और फीडर को भरना है, वो काम गाइस अपन अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने भाई फीडर बना दिया और अपने बांध को बड़ा कर दिया है। अब अपने को बांध के आगे फेंसेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे बांध मेरे को टोटल 3 बनाने, जो बनाने में हाँ मेरी हालत टाइट होने वाली है, बट 3 बन जाएंगे ना भाई। एक के अंदर काउ रखेंगे, एक के अंदर अपन रखेंगे पिगीज, और एक के अंदर रखेंगे गोट। बाकी काउ के लिए एक अलग सेटअप भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका दूध निकालते हैं ना भाई, तो वो साथ के साथ उसका दूध भी निकल जाए, ऐसा कुछ सेटअप बना सकते हैं, वो मैं सीख के आऊंगा फिर बनाऊंगा। बाकी आज के लिए बस इतना, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।